हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्यानीता। चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा के दोषी पाए गए अक्षय, विनय और पवन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर की है। दोषियों ने तिहाड़ जेल प्रशासन को दया याचिका सौंप दी है। वहीं दोषियों के वकीलों का कहना है कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में तीनों की ओर से क्यूरेटिव याचिका भी लगाई गई है। एक दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है। निर्भया गैंगरेप के दोषियों ने तिहाड़ जेल प्रशासन को अपना जवाब दे दिया है। निर्भया के वकील एपी सिंह ने कहा कि तीन दोषियों की ओर से अभी क्यूरेटिव याचिका दाखिल करनी है। और ये दया याचिका दायर तब करेंगे जब क्यूरेटिव याचिका का निपटारा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर याचिका खारिज हुई तो अंतिम विकल्प आजमाया जाएगा। गौरतलब है कि कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने चारों दोषियों को नोटिस जारी किया था। देश के कई हिस्सों में गुरुवार की सुबह सूर्य ग्रहण देखा गया। उड़ीसा, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली सहित कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण देखा गया। ये इस दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण था। बता दें कि साल 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण है वो जो खत्म हो चुका है। सूर्य ग्रहण सुबह 8:17 से शुरू होकर 10:57 तक चला। यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण पौष मास की अमावस्या पर लगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज सुबह 10:57 पर खत्म हो गया। ग्रहण का सूतक काल खत्म होने के बाद मंदिरों में शुद्धिकरण किया गया। और दुबई में भी सूर्य ग्रहण देखा गया। दुबई और अबू धाबी में सूर्य ग्रहण पर रिंग ऑफ फायर का अद्भुत नजारा दिखा। इस दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत छिछुर रहा है। कोहरे की वजह से लोगों को यातायात से जुड़े समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेल और हवाई यातायात सेवा भी प्रभावित हुई है। कोहरे के कारण दिल्ली आ रही 25 ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसमें कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस के समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक लेट चल रही हैं, जिसके कारण मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को जलाने के लिए सोनिया गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेताओं ने बना रखी है यूनियन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी कुछ इस यूनियन में शामिल हैं, जिसका काम देश के लोगों को आपस में लड़वाना है। विज बोले कि सोनिया गांधी ने खुद तो ले ली है इटली से भारत की नागरिकता, अब दूसरों की नागरिकता को लेकर सवाल उठा रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए बना है। और 25 दिसंबर का दिन देशभर में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर श्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के प्रशासनिक अधिकारी और सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। सीएम ने गवर्नेंस से जुड़े सभाओं को शुरू भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि सुशासन और कुशासन में फर्क है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार कुशासन की निशानी है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डीसी अशोक वर्मा ने कहा कि अंबाला सभी सेवाओं में नंबर एक पर है, आगे भी यही स्तर कायम रहेगा। मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान सरकारी बाबू गंभीर दिखाई दिए। कोई सुस्त नहीं दिख रहा था तो मोबाइल पर कोई गेम भी नहीं खेल रहा था और आपस में बातचीत करते या फिर कॉरिडोर में घूमते भी दिखाई दिए। और इसी कोताही पर सफाई देते हुए अंबाला के डीसी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी अधिकारियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दानौन से जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने अपने ही पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौतम ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार किया, लेकिन यह भी कह दिया कि जिस दिन से विधायक पद से इस्तीफा देंगे उसी दिन पार्टी भी छोड़ देंगे। वहीं रामकुमार गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के सभी विधायक परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के 9 विधायकों को भी लोगों ने वोट दिया, इसलिए उनका भी ख्याल रखना जरूरी है। रोहतक के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर जननायक जनता पार्टी पर हमला बोला है।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जेजेपी शुरू से ही बीजेपी के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मिलकर सोनीपत सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का षड्यंत्र रचा था। तो वहीं जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम की ओर से लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि जेजेपी विधायक भी दुष्यंत चौटाला की नीतियों को समझ चुके हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने अपने विधायकों को बीजेपी के हाथों बेचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर जेजेपी के विधायक को जिताने का कार्य किया, लेकिन जेजेपी प्रमुख ने सभी विधायकों के साथ धोखा करते हुए बीजेपी की गोदी में बैठा दिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बार विपक्ष कमजोर नहीं है और कांग्रेस ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में काम करने की ठान ली है। बीजेपी जेजेपी की किसी भी जनविरोधी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के कारण वीरवार को अंबाला में अधिकतम तापमान 12.5 और न्यूनतम तापमान 7.5 हो गया। वहीं बाहरी इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं लोगों का कहना है कि इस ठंड ने सारे कामकाज ठप कर दिए हैं। शीतलहर के चलते जिला प्रशासन ने आज स्कूल बंद रखने के आदेश भी दे दिए हैं। बाहरी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड, बता दें कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ठंड पड़ रही है। और वहीं नांगल चौधरी में भी ठंड का तापमान 1 डिग्री के पास पहुंचने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ठंड बढ़ने से हरियाणा सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। ठंड बढ़ने की वजह से घने कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्हें अभी इस मामले पर कोई जानकारी नहीं मिली है। दुष्यंत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मामला अब तक उनके संज्ञान में नहीं आया। उन्होंने कहा कि रामकुमार ने जिस वजह से इस्तीफा दिया है ये तो वही बता सकते हैं। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उन्होंने अगर ऐसा किया है तो इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। वहीं जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुभाष बराला ने कहा कि सरकार को किसी तरह का कोई संकट नहीं है। जहां तक जननायक जनता पार्टी के विधायक रामकुमार गौतम की बात है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो आपस में मिल बैठकर तय करेंगे कि कैसे उस पार्टी में आगे बढ़ना है। प्रदेश भर में गुरुवार को रोडवेज के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारी अभी भी अपनी पुरानी मांगों पर अड़े हुए हैं। कर्मचारी सरकार से इन मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार पेंशन प्रणाली को लागू करे। कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया जाए। यही नहीं, कर्मचारियों ने सरकार की ओर से उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में भी हो रही कटौती को वापस लेने की मांग की। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने आज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर डिपो पानीपत के कर्मशाला गेट पर डिपो प्रधान की अध्यक्षता में 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया। तो वहीं गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए डिपो प्रधान रणवीर शर्मा ने बताया कि हरियाणा की सरकार हर तरीके से किलोमीटर स्कीम लागू करना चाहती है, जो कि गलत है, जबकि किलोमीटर स्कीम पर हाईकोर्ट में केस विचाराधीन है। सरकार के खिलाफ रोडवेज कर्मियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही। रोडवेज कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों की ओर से किलोमीटर स्कीम के विरोध में 18 दिन की लंबी हड़ताल में अपनी ही निजी सरकारी एजेंसियों से जांच करवाई थी, जिसमें लगभग 900 करोड़ का सालाना गबन साबित हुआ था। और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि गबन में पूर्व परिवहन मंत्री शामिल रहे, इसलिए तालमेल कमेटी मांग करती है कि इन दोनों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अब हरियाणा की सरकार जो इस पॉलिसी को लागू करने की कोशिश कर रही है, आज पूरे प्रदेश में तालमेल कमेटी के आह्वान पर सभी डिपो में 2-2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि आगे परिवहन मंत्री द्वारा किसी सरकार के अधिकारी द्वारा किलोमीटर स्कीम लागू करने का प्रयास किया गया तो तालमेल कमेटी कोई भी निर्णय लेने के लिए मजबूर होगी। और वहीं हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के आह्वान पर गोहाना बस स्टैंड डिपो पर कर्मचारियों ने किलोमीटर स्कीम घोटाले की जांच करवाने को लेकर हरियाणा रोडवेज के बेड़े में प्राइवेट बसों को ठेके पर चलाने को लेकर विरोध में आज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और 2 घंटे का रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने प्राइवेट बस ठेके पर लेकर चलाने की जिद नहीं छोड़ी तो रोडवेज कर्मचारी आने वाली 8 जनवरी को रोडवेज का चक्का जाम करने पर मजबूर होंगे।
तो वहीं कर्मचारी नेताओं ने परिवहन मंत्री के किलोमीटर स्कीम के तहत 190 प्राइवेट बसें चलाने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि रोडवेज कर्मचारी प्राइवेट बसें चलाने का लगातार विरोध करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जनता और कर्मचारियों की मांग लगातार सरकारी बसें बढ़ाने की है, फिर भी सरकार अपने चहेते साहूकारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राइवेट बसें ठेके पर लेकर उनको चलाने की जिद पर अड़ी हुई है। नूह के पिनगवा से जमीन खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पीड़ित सादिक खान जो तेड़ का रहने वाला है उसने पुलिस को शिकायत दी कि झिमरवाट गांव में करीब 2 एकड़ उसने जमीन खरीदी और करीब 27.5 लाख रुपए में खरीदने का सौदा तय किया गया था। और एडवांस में 16 लाख की रकम भी दे दी गई थी लेकिन नैन मौके पर एजेंट ने रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस में दी। अब पीड़ित का कहना है कि एजेंट ने उससे इस मामले पर राजीनामा करने की बात कही। और जब राजीनामे की बात पर पैसे लौटाने की बात हुई तो आरोपियों ने पीड़ित को एक काला बैग पकड़ा दिया लेकिन जब पीड़ित ने बैग खोलकर देखा तो उसमें बच्चों के खेलने वाले नोट निकले। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें से जहीर वकील आदिल को गिरफ्तार कर लिया है जबकि मुख्य आरोपी आजाद अभी भी मौके से फरार है। प्रदेश में लगातार ठंड का स्तर बढ़ने की वजह से स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया लेकिन नारनौल में गैर सरकारी स्कूल सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते नजर आए। दरअसल नारनौल में सरकार के आदेशों के बाद भी गैर सरकारी स्कूल खुले नजर आए जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार के आदेशों का गैर सरकारी स्कूलों पर कोई असर नहीं है। और दुकानदार से जबरन वसूली और रिश्वत लेने के आरोप में सिटी थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 6 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने स्क्रैप का काम करने वाले दुकानदार को चोरी के केस का डर दिखाकर दिसंबर 2018 में रिश्वत ली थी। रिश्वत लेने की शिकायत के बावजूद कैथल पुलिस और विजिलेंस ने भी पीड़ित का साथ नहीं दिया था। जबकि हिसार सीआईए वन और फतेहाबाद पुलिस की ओर से समझौते के नाम पर प्रताड़ित किया गया था। यह पूरा मामला 23 दिसंबर का है। सिटी थाना कैथल में दर्ज हुए केस में गांव चंदाना निवासी सुरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि शहर में जींद रोड बाईपास नाका पर उसकी स्क्रैप की दुकान है। दुकानदार ने बताया कि दिसंबर 2018 को करीब 6 बजे शाम को दुकान पर एक इनोवा गाड़ी में 5 व्यक्ति आए जिन्होंने खुद को दिल्ली सीआईडी क्राइम ब्रांच से बताया। पुलिस वाले कहने लगे कि तुमने चोरी की गाड़ी काटी है इसीलिए तुम पर केस दर्ज होगा। दुकानदार ने खुद को सही ठहराते हुए सबूत दिखाया तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि हम 200 किलोमीटर चलकर आए हैं और झूठे केस में फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी। वहीं आरोपियों ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी तो 3 लाख रुपए देने तय हुए। सुरेंद्र का आरोप है कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि बिना गलती के रिश्वत देनी पड़ी तो रिश्वत लेने वालों को पकड़वाएंगे। उसने रुपए जमा करने के लिए दिल्ली पुलिस से कुछ घंटे का वक्त मांगा था। रिश्वत के कम पैसे देने को लेकर आरोपी पुलिसकर्मी ने काफी देर बातचीत की और बकाया रकम मांगने लगा। इसने उसकी रिकॉर्डिंग मोबाइल में कर ली। सुरेंद्र का कहना है कि उसने पहले ही प्लान के तहत कम रुपए दिए थे ताकि पुलिस वाले दोबारा रुपए मांगे तो उन्हें पकड़वा सके लेकिन आरोपियों को यही बोला कि गलती से कम पैसे दे दिए गए हैं, बकाया रुपए भी दे देगा। पुलिस वालों की मिली भगत के चलते केस में कहीं सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित ने सीबीआई चंडीगढ़ और हाईकोर्ट को शिकायत दी जिसके बाद कैथल पुलिस हरकत में आई। और वहीं डीएसपी कलायत की ओर से मामले की प्राथमिकता की जांच के बाद दिल्ली पुलिस के एसआई और कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पानीपत में देर रात चोरों ने सलोनी रोड स्थित 4 दुकानों को निशाना बनाया। चोर पहले छत पर चढ़े और शटर को तोड़कर दुकान के अंदर घुसे जिसके बाद उन्हें दुकान में रखे गल्ले से नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। बता दें कि चोरों ने एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर तोड़ दिए। चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। सूचना पाकर सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। दुकानदारों के अनुसार अभी तक चोरी कितने की हुई है इसका कोई अनुमान नहीं लग पाया है। पलवल जिले में किसान खजूर की खेती की ओर अग्रसर है। बागवानी विभाग की ओर से खजूर की खेती करने के लिए 70% सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। विभाग की ओर से पलवल जिले में खजूर की खेती करने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि का लक्ष्य दिया गया है जिसके लिए 312 खजूर के पौधे लगाए जाने हैं। खजूर की बरही किस्म हरियाणा प्रदेश की जलवायु के अनुकूल है।
बता दें कि खजूर के पौधे कोयम्बटूर से खरीदे गए हैं। ये पौधा 8x8 मीटर पर लगाया जाता है। खजूर के पौधे की कीमत 2600 रुपये प्रति पौधा निर्धारित की गई है। विभाग की ओर से खजूर के एक पौधे पर 1950 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। खजूर की फसल 5 साल में तैयार हो जाएगी और एक पौधे पर 50 किलो से ज्यादा प्रति पौधे से खजूर का उत्पादन होगा। वहीं किसान मोनू भारद्वाज ने बताया कि अभी खजूर के 80 पौधे लगाकर खजूर की खेती शुरू कर दी। बागवानी विभाग ने करीब 156 पौधे दिए हैं और बाकी पौधे लेने बाकी हैं। खजूर की खेती में कम पानी इस्तेमाल होता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खजूर के जो पौधे लगाए हैं उनमें से करीब 3 साल में ही फलाना शुरू हो जाता है। बागवानी खेती के माध्यम से किसान आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 55 एकड़ में बागवानी की खेती की है जो कि परंपरागत खेती के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद है। गोहाना में नौकरी लगवाने के मामले में 30 लाख की ठगी करने वाले बाप बेटे को गोहाना सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पिता पुत्र ओम प्रकाश और सुमित दोनों जींद के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर लिया और 4 दिन के रिमांड पर लिया ताकि और भी मामलों का खुलासा किया जा सके। दोनों पिता पुत्र गोहाना के अलावा कई जिलों में ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का लोगों को शिकार बनाते आ रहे हैं। वहीं गोहाना सिटी थाना के एसएचओ निर्मल सिंह ने बताया कि बेरोजगार बेटे की नौकरी के लिए सोनीपत निवासी करण सिंह उनके झांसे में आ गया था और उसने 1 मार्च को गोहाना में आरोपी ओम प्रकाश और उनके बेटे सुमित को 30 लाख रुपए नौकरी लगवाने के लिए दे दिए थे लेकिन उन दोनों को उनके पैसे नहीं मिले और नौकरी भी नहीं लगवाई। उन्होंने बताया कि नौकरी के पैसे मांगने पर दोनों आरोपियों ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी। सिटी थाना पुलिस ने करण सिंह के बयान पर आरोपी ओम प्रकाश और सुमित के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश भी किया है। लगातार 9 दिन के ब्रेक के बाद पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 5 पैसे जबकि चेन्नई में 6 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। इस बढ़त के बाद पेट्रोल के भाव बढ़कर दिल्ली में 74.68 रुपए, कोलकाता में 77.34 रुपए, मुंबई में 80.34 रुपए और चेन्नई में 77.64 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं डीजल के भाव की बात करें तो 1 दिन के विराम के बाद फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजल का दाम दिल्ली और कोलकाता में 10 पैसे जबकि मुंबई और चेन्नई में 11 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। और इसी बढ़त के बाद देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम फिर से 67 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गया है। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के पायलट मुक्त चाहते हैं। दरअसल एयरलाइन के पायलटों ने सरकार से नोटिस पीरियड खत्म करने की मांग की, इसके साथ ही उन्होंने बकाया भुगतान करने को कहा है। भारतीय एयरलाइंस की यूनियन इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन के मुताबिक कंपनी को लेकर अनिश्चितताओं के बीच पायलट इसमें काम करने की स्थिति में कंफर्टेबल नहीं है। इसी संबंध में यूनियन ने नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में कहा गया कि आपका यह बयान चिंताजनक है कि अगर 31 मार्च 2020 तक एयर इंडिया का निजीकरण नहीं किया गया तो एयरलाइन बंद हो जाएगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली को मशहूर मैगजीन द क्रिकेटर ने पिछले एक दशक का बेस्ट क्रिकेटर चुना। मैगजीन ने पिछले 10 वर्षों में शानदार प्रदर्शन करने वाले 50 क्रिकेटरों की सूची तैयार की है जिसमें पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटर शामिल हैं। इस लिस्ट में रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और महिला क्रिकेट टीम के मिताली राज शामिल हैं। जसप्रीत बुमराह गुजरात और केरल के बीच होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में नहीं खेलेंगे। गुजरात के साथ खेलते हुए अपनी फिटनेस को परखना चाहते थे बुमराह। सौरभ गांगुली ने बुमराह को रणजी ट्रॉफी मैच से खेलने के लिए मना किया है। बुमराह स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण लंबे वक्त से बाहर हैं। यह मैच सूरत के लाला भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन की श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी हुई है।
धवन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में धवन अपने बेटे जोरावर के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आए। मेरे मुखिया कोच मुझे खेलने के लिए प्रेरित करते हुए गब्बर को सिर्फ छोटा गब्बर ही मार सकता है, उन्होंने ये भी लिखा। बिग बॉस में लड़ाई और झगड़ों के बीच अपकमिंग एपिसोड में इमोशंस का तड़का देखने को मिलेगा। वहीं फैमिली वीक से पहले मेकर्स ने प्रतिभागी को घर का खाना देकर उनकी आंखों में आंसू ला दिए। घर का खाना खाने के बाद आरती सिंह, शेफाली जरीवाला और पारस छाबड़ा को इमोशनल होते देखा जाएगा। गुरुवार के एपिसोड में बिग बॉस हाउस में मुंबई के मशहूर डब्बेवाला कंटेस्टेंट के घर से उनके लिए खाना लेकर आएंगे। क्रिसमस के मौके पर घर वालों के जज्बात पाकर ज्यादातर प्रतिभागियों की आंखों से आंसू निकल आए। कटरीना कैफ ने अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी के सेट पर क्रिसमस सेलिब्रेट किया। कटरीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी के साथ नजर आई। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार को जबरदस्त एक्शन स्टंट करते हुए देखा जाएगा। इस फिल्म में वो एटीएस चीफ का किरदार भी अदा करेंगे। अक्षय कुमार रोहित की कॉप सीरीज में काम करने वाले तीसरे अभिनेता होंगे। उनसे पहले अजय देवगन और रणवीर सिंह उनकी इस सीरीज में काम कर चुके हैं। देशभर में नागरिकता कानून को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस मामले में अपनी राय रखी है। हाल ही में एक्टर अजय देवगन ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजय देवगन और सैफ अली खान अपनी फिल्म तानाजी के प्रमोशंस के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम कुछ कहेंगे तो किसी को बुरा लग जाएगा, अगर मैं या सैफ कुछ कहते हैं तो लोग कल जाएंगे और प्रदर्शन करने लगेंगे, वो तानाजी जैसी फिल्म को बैन भी कर देंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसे नुकसान होगा, प्रोड्यूसर को जो मैं खुद हूं, वो तो बहुत जिम्मेदारी है कि ऐसा आपने आमिर के साथ देखा, आपने देखा कि संजय लीला भंसाली के साथ क्या हुआ। अजय देवगन ने कहा कि कोई फिल्म बनाने में कई लोग शामिल होते हैं और फिल्म के नुकसान से कई लोगों को नुकसान होता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें चीजों को लेकर राय बनानी चाहिए और हमारा ओपिनियन होता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि कब, कैसे और किसको बताना है। फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।